Hello friends, in today's video, I'm going to share about how to make DIY Rakhi from waste pencil saving. And if you also want to make such Rakhi, then please watch the video till the end. So let's begin. इस राखी को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ बचे हुए वुलन के धागे, सीजर, पेंसिल सेविंग, ग्लिटर. आप चाहो तो ग्लिटर को स्किप भी कर सकते हैं. कुछ कलर्स एंड ग्लिटर शीट. अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ग्लिटर शीट की जगह कॉपी के कवर, हार्ड कवर को यूज कर सकते हैं. नाउ वी विल कलर पेंसिल सेविंग वन बाय वन विथ एनी कलर. हियर आई एम यूजिंग पर्पल कलर. And now I'm going to pour some silver glitter in the top side of this pencil saving. इसी तरह आप बाकी के पेंसिल के छिलकों को अलग अलग कलर से कलर कर सकते हैं. अब मैं राखी के सेंटर पोर्शन को डेकोरेट करने के लिए कुछ चावल को यूज़ करने जा रही हूँ, जिसे भी मैंने ग्लिटर से कलर कर दिया है. अब मैं इस ग्लिटर शीट से राखी का बेस बनाने जा रही हूँ. इसे मैंने इस बॉटल लीड के शेप में मार्क कर दिया है, जो सर्कल शेप में है. अब इसे मैं सीजर से कट कर दूँगी. अब मैं इस वुलन धागे से राखी का थ्रेड बनाने जा रही हूँ. इसका लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. वी विल नीड थ्री सच वुलन स्ट्रिंग टू मेक आवर राखी थ्रेड. देन वी विल मेक वन नोट ऑन वन साइड. And then we will start making braid, just like हम अपने हेयर स्टाइल में बनाते हैं. And now we make one more knot on another side. अब मैं इस थ्रेड को इस बेस के साथ चिपका दूंगी. मैंने यहाँ ग्लूगन यूज़ किया है, आप इसकी जगह फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं. अब वन बाय वन मैं पेंसिल सेविंग को इस बेस पे चिपका दूंगी. सबसे पहले हमें टॉप साइड यानी आउटर पार्ट में चिपकाएंगे, जैसे मैंने वीडियो पे दिखाया है. वन बाय वन हम ऐसे इसको चिपकाते रहेंगे. आउटर पार्ट को चिपकाने के बाद हम इनर पार्ट को चिपकाएंगे, ठीक है. जैसे मैंने वीडियो पे चिपकाया, देखिए आप कोई भी कंट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे पर्पल के साथ येलो कलर यूज़ किया है. अब मैं सेंटर पोर्शन में फेविकोल से उन चावल को चिपकाऊंगी, जिन्हें मैंने पहले से ही कलर करके सूखा रखा है. आपको भी ऐसे ही, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो पे, ऐसे ही ट्यूजर की हेल्प से वन बाय वन इन चावल को उन फेविकोल के ऊपर आपको रखना है और उसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देना है. ये
ये देखिए हमारा DIY राखी तैयार हो गया है। फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पेंसिल सेविंग से बने DIY राखी आपको कैसे लगी। इफ़ यू लाइक माई आइडिया एंड दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ सोमा DIY डेकोर। थैंक यू।